This program is brought to you by IndianFunkar.com. नमस्कार, मैं गीता श्रॉफ, सोशल इनिशिएटर हूँ. वैसे तो महिला और बच्चों के लिए 25 साल से काम कर रही हूँ. खुद लिखती हूँ पर गुजराती में. फिर भी आज मैं अपनी एक हिंदी कविता सुनाऊंगी जरूर, और दूसरे एक कवि की भी सुनाऊंगी. पर सबसे पहले मुझे इंडियन फनकार को ढेर सारे शुभकामनाएं देनी है. अभिषेक गलसर जी को मैं बहुत बहुत सालों से जानती हूँ. उनका काम के प्रति जो लगाव है और जो उनका डेडिकेशन है, उसको मैं सलाम करती हूँ. अभिषेक गलसर जी को भी बहुत सारी शुभकामनाएं. अब मैं एक अपनी ऐसी कविता सुनाऊंगी जो महिलाओं के लिए मैं हमेशा गाती रहती हूँ. तू नाजुक तू सुंदर, तू नाजुक तू सुंदर, तू ईश्वर की अद्भुत रचना है नारी. अलग अलग रूप में बटी, तू माँ भगिनी बेटी भार्या है नारी. दुबली पतली दिखने वाली, तू योद्धा साहसी और वीर है नारी. आँख में आंसू थान में दूध, आँख में आंसू थान में दूध, तू देश को वीर संतान धरने वाली है नारी. जल वायु धरा तेरी मुट्ठी में, जल वायु धरा तेरी मुट्ठी में, तू स्वयं शक्ति है नारी. मैंने खास ये इसलिए पंक्ति लिखी थी क्योंकि मैंने देखा कि हमारे देश की आर्म्ड फोर्स में, नेवी हो, आर्मी हो या एयरफोर्स हो, महिलाएं बहुत अचीव करती है और बहुत सारी उपलब्धियां उन्होंने ली है. इसीलिए मैंने ये स्पेशली लिखा है कि जल वायु धरा तेरी मुट्ठी में, तू स्वयं शक्ति है नारी. तू उद्धारक तू सुधारक, जो सबका उद्धार करती है, समाज को सुधारती है, परिवार को संभालती है. तू उद्धारक तू सुधारक, परिवार को उजागर करने वाली, तू ही तेरी सुकानी नारी, तू ही तेरी सुकानी. मैं नारियों को ये मैसेज हमेशा देती हूँ कि किसी और के ऊपर आप ऐसा मदार न रखें कि वो आपके जीवन को ले जाए, आपके जीवन को बनाए. आप खुद अपनी सुकानी हैं और आप स्वयं शक्ति का स्त्रोत्र है. आप पूरे समाज को, दुनिया को अपनी शक्ति दे सकती है. आप पुरुष को जन्म दे सकती है. तो आप स्वयं ही अपनी सुकानी बने. तो ये मेरी महिलाओं को मैं अर्पण करती हूँ. अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करना और शेयर भी करना.